Hey guys. अरे कहना क्या चाहते हो? तो सिर्फ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप YouTube के ऊपर कुछ इस तरीके की वीडियोस देखकर कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं और उसके बाद आपके जो पैसे हैं वो फंस जाते हैं। लेकिन इस चैनल के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता। मैं बिल्कुल ही डीप रिसर्च कर वीडियो बनाता हूं और इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, क्योंकि पैसे आपके हैं और फैसला भी आपका ही होगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं लॉयड की तरफ से आने वाली इनकी 43 इंच की फुल HD LED टीवी। तो बढ़ते हैं इस LED टीवी की वीडियो की तरफ। तो अभी सबसे पहले मैं आपको इस LED टीवी का जो ओवरव्यू है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। तो ये है इस LED टीवी का फ्रंट। तो फ्रंट से ये जो LED टीवी आपको काफी ज्यादा अच्छे डिजाइन के साथ ऑफर की जाती है। सामने की तरफ इधर आपको लॉयड की जो ब्रांडिंग है वो अवेलेबल करवाई गई है और इसकी जो चेन है वो आपको काफी ज्यादा स्लिम चेन इधर प्रोवाइड की गई है और कुछ ऐसी स्टैंड की प्लेसमेंट आपको मिलती है और टीवी और टेबल के बीच में जितना भी डिफरेंस है वो भी आपको एडिक्वेट देखने को मिलता है। अभी मैं आपको इस LED टीवी के साइड से बेजल भी दिखा देता हूँ। तो साइड से ये जो LED टीवी आपको काफी ज्यादा स्लिम बेजल्स ऑफर करती है। इस LED टीवी के साइड पर इधर आपको काफी ज्यादा स्लिम बेजल्स ऑफर किए जाते हैं। अगर आप इस LED टीवी को दूर से देखने वाले हो या पास से, तो आपको इस LED टीवी के जो बेजल्स हैं वो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होंगे और टॉप से भी इधर आपको जो बेजल्स मिलते हैं वो आपको काफी ज्यादा स्लिम मिलते हैं एंड ओवरऑल ये जो LED टीवी है काफी ज्यादा स्लिम बनाई गई है। तो अभी मैं आपको इस LED टीवी की बैक भी दिखा देता हूँ। तो ये है इस टीवी की बैक। तो बैक से ये जो LED टीवी आपको मिनिमल डिजाइन के साथ ऑफर की जाती है। ये जो LED टीवी है बैक से आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ मिलती है और टॉप पे इधर आपको दो स्ट्राइप्स मिलती हैं जो कि एक एंड से लेके दूसरे एंड तक जा रही हैं। स्ट्राइप्स के नीचे की तरफ इधर आपको इसके जो एयर वेंट्स है वो देखने को मिलते हैं एयर सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए और उसके नीचे इधर आपको चार वॉल माउंटिंग स्क्रूज भी मिलते हैं और साथ में ये जो LED टीवी है ये आपको अटैच्ड पावर कॉर्ड के साथ अवेलेबल होती है। डिटैचेबल पावर कॉर्ड इस LED टीवी के साथ में आपको अवेलेबल नहीं करवाई गई और साइड में इधर आपको इस LED टीवी के कुछ इनपुट जो हैं वो भी प्रोवाइड करवाई गई हैं। तो इस LED टीवी की लेफ्ट साइड पे इधर आपको कुछ इनपुट्स हैं वो भी इधर देखने को मिलती हैं। सबसे पहले इधर आपको एक हेडफोन पोर्ट मिलती है, साथ में इधर आपको एक USB पोर्ट मिलती है और लास्ट में इधर आपको तीन HDMI पोर्ट्स ऑफर की जाती हैं। इस टीवी की नीचे की साइड पे भी आपको कुछ इनपुट्स मिलती हैं, जैसे सबसे पहले इधर आपको एक LAN पोर्ट मिलती है, नीचे भी इधर आपको एक USB पोर्ट मिलती है, साथ में ऑप्टिकल पोर्ट है और इधर आपको ऑडियो वीडियो पोर्ट्स भी अवेलेबल करवाई गई हैं और लास्ट में इधर आपको एक एंटीना पोर्ट भी ऑफर की गई है और इस टीवी की नीचे वाली साइड पे इधर आपको कुछ फिजिकल कंट्रोल्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो इस LED टीवी के नीचे की तरफ इधर आपको ऑन ऑफ बटन मिलता है, वॉल्यूम अप डाउन बटन मिलता है, तो ये सभी हमें फिजिकल बटन्स मिलते हैं इस टीवी में। तो ये था इस LED टीवी का ओवरव्यू। तो अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो और उसके साथ में आपके लिए एक स्पेशल न्यूज़ भी लेके आया हूँ। मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ सैमसंग की न्यू DU7000 43 इंचेस के अंदर और ये जो LED टीवी है इसकी भी वीडियो मैं जल्दी चैनल के ऊपर डाल दूंगा। जब ये वीडियो चैनल के ऊपर जाएगी उसके 2-3 दिन में ही इसकी भी वीडियो चैनल के ऊपर मैं डालने वाला हूँ। तो अभी लॉयड की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैं आपको इस टीवी के जो बॉक्स कंटेंट्स है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इधर हमें एक LED टीवी का वॉल माउंट हमें बॉक्स के अंदर ही अवेलेबल करवाया गया है। साथ में इधर हमें दो स्टैंड्स मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा हाई क्वालिटी स्टैंड्स हैं और ये जो स्टैंड्स हैं ये हमें ग्लॉस फिनिश के साथ में ऑफर किए गए हैं। साथ में इधर हमें दो ड्यूरासेल की बैटरीज मिलती हैं, AA बैटरीज हैं जो कि रिमोट को पावर देने के काम में आएंगी और ये जो बैटरीज है काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके साथ में इधर हमें चार स्क्रूज भी मिलते हैं इसके स्टैंड्स को फिट करने के लिए। साथ ही में इधर इस LED टीवी के हमें क्विक सेटअप गाइड, साथ में वारंटी कार्ड हमें अवेलेबल करवाया गया और लास्ट में इधर हमें इसका जो रिमोट है वो मिलता है। तो सबसे पहले मैं इसके पैकेट से इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके का रिमोट आपको इस बॉक्स के अंदर अवेलेबल करवाया गया है। काफ़ी ज़्यादा हैवी है रिमोट। टॉप पे इधर आपको ऑन ऑफ बटन मिलता है, साथ में आपको सेटअप बॉक्स का ऑन ऑफ बटन मिलता है, उसके साथ में इधर आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन, चैनल अप डाउन, म्यूट बटन, होम बटन, सेटिंग बटन और वॉइस असिस्टेंट का बटन भी मिलता है। नीचे आपको अप डाउन राइट लेफ्ट मिलता है और बीच में इधर आपको एक माउस वाला स्क्रोलर भी मिलता है। नीचे की तरफ इधर हमें बैक बटन मिलता है, गाइड मिलती है और दो हॉटकीज मिलती हैं नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो। उसके साथ में इधर हमें सोर्स बटन भी मिलता है और कुछ एक्स्ट्रा बटन भी इधर दिए गए हैं। नीचे की तरफ इधर आपको लॉयड की जो ब्रांडिंग है वो अवेलेबल करवाई गई है और बैक से ये जो रिमोट है आपको काफी ज्यादा ग्लॉसी मिलता है और इधर आपको इसका कस्टमर केयर नंबर भी मिलता है और इधर आपको इसका जो बैटरी कंपार्टमेंट है वो इधर दिया गया है और ये जो रिमोट है ये LG ने मैन्युफैक्चर किया हुआ है। आप देख सकते हो इधर आपको LG की जो ब्रांडिंग है वो भी इस रिमोट के साथ अवेलेबल करवाई गई है। तो ये जो चीज थी काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी एंड ओवरऑल इस रिमोट की हैंडल फील्स है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन ये जो रिमोट है कई लोगों को हैवी लग सकता है। तो अभी मैं देता हूँ आपको इस LED टीवी का वीडियो लिस्ट, बट उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब
भी कर दो। तो अभी आप इस एलईडी टीवी का जो वीडियो रेस्ट है उसको भी आप एंजॉय कर लो। तो अभी मैं देता हूँ आपको इस एलईडी टीवी का साउंड टेस्ट, तो आप उसको भी जल्दी से एंजॉय कर लो। तो अब बात करते हैं इस एलईडी टीवी के फीचर्स के बारे में। तो ये जो एलईडी टीवी है ये एक 43 इंचेस फुल एचडी एलईडी टीवी है जो कि आती है 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। इस एलईडी टीवी के अंदर आपको 1.5 GB रैम मिलती है और 8 GB स्टोरेज अवेलेबल करवाई गई है। और इस एलईडी टीवी के अंदर आपको जो सीपीयू मिलता है वो आपको 64 बिट्स वाला मिलता है। और इस टीवी के अंदर आपको माइक्रो डिमिंग का जो फीचर है वो भी अवेलेबल करवाया गया। इस टीवी के अंदर आपको 2K HDR का जो सपोर्ट है वो भी अवेलेबल करवाया गया। और इस टीवी के अंदर आपको A+ ग्रेड पैनल मिलता है। साथ में इस एलईडी टीवी के अंदर आप डॉल्बी ऑडियो का जो सपोर्ट है वो भी इस टीवी के अंदर अवेलेबल करवाया गया। साथ ही साथ इस टीवी के अंदर आपको 20 watts के स्पीकर मिलते हैं जो कि 2.0 चैनल स्पीकर हैं। टीवी के अंदर आपको एक फीचर काफी ज्यादा अच्छा मिलता है कि आप इस टीवी के साथ एक ब्लूटूथ साउंड बार या स्पीकर कनेक्ट कर सकते हो और आपके जो टीवी के स्पीकर्स हैं और ब्लूटूथ स्पीकर है वो इकट्ठे वर्क करेगा, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग फीचर है जिससे आपका साउंडिंग एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा एनहांस हो जाता है। इसके साथ में अगर आपको वायर्ड यूज करना है तो आप ऑप्टिकल पोर्ट यूज करके भी इस फीचर का एंजॉय कर सकते हो। और साथ में ये जो एलईडी टीवी है ये आती है वेब ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में जो कि एलजी का ऑपरेटिंग सिस्टम है और काफी ज्यादा अमेजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलता है इस टीवी के अंदर। इस टीवी में आपको वॉइस कंट्रोल भी मिलता है और साथ में आपको रेगुलर अपडेट्स भी इस टीवी के अंदर आते रहते हैं। और इस एलईडी टीवी के अंदर आपको एलजी का एयर रिमोट मिलता है जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट रिमोट है। तो उसके अंदर जो एयर माउस वाला फीचर है वो मेरे को काफी ज्यादा पसंद है। तो जनरली रिमोट्स के अंदर जो ओके या सेलेक्ट बटन होता है उस बटन की जगह इस टीवी के रिमोट पे आपको स्क्रोलर मिलता है जो कि आपको माउस के अंदर अवेलेबल होता है, जिससे इस टीवी को यूज करना काफी ज्यादा एंजॉयबल एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ये सभी फीचर्स आपको इस एलईडी टीवी के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब बात आ चुकी है मेरे वर्डिक्ट की कि आपको लॉयड की ये 43 इंच की एलईडी टीवी परचेज करनी चाहिए या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एलईडी टीवी का प्राइस, तो ये जो एलईडी टीवी है ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन नियर अबाउट 23,000 से लेके 24,000 रुपीस के आसपास अवेलेबल होगी। और जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर ये एलईडी टीवी आती है ये आपको अच्छे खासे फीचर्स ऑफर कर देती है। तो सबसे पहले मैं आपको इस टीवी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इस एलईडी टीवी के कॉन्स के बारे में बता देता हूँ। तो इस टीवी की जो वीडियो क्वालिटी है वो मेरे को इतनी खास नहीं लगी एज कम्पेयर टू अदर एलईडी टीवीज इन दिस सेगमेंट, क्योंकि ये जो एलईडी टीवी है काफी ज्यादा फीके कलर्स हैं उसको प्रोड्यूस करती है। और मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मैं एक एचडी रेडी एलईडी टीवी यूज कर रहा हूँ, ना कि एक फुल एचडी एलईडी टीवी। और अगर इस एलईडी टीवीज के हम प्रोज के बारे में बात करें तो लॉयड जो है वो काफी ज्यादा बड़ा ब्रांड है और इस ब्रांड की जो आफ्टर सेल सर्विस है वो आपको काफी ज्यादा अच्छी मिलती है। अगर आपको वारंटी क्लेम करनी है या कुछ ऐसा चक्कर पड़ गया तो आपका जो काम है वो बिल्कुल ही टेंशन फ्री रह के हो जाएगा। और साथ में इस टीवी का जो दूसरा प्रो है वो ये है कि इस एलईडी टीवी के अंदर आपको जो साउंड क्वालिटी मिलती है वो काफी ज्यादा अच्छी मिलती है। और ये जो एलईडी टीवी के स्पीकर्स हैं वो आपको 100% वॉल्यूम के ऊपर भी डिस्टॉर्शन क्रिएट नहीं करते। तो इस एलईडी टीवी के अंदर जो मेरे को सबसे ज्यादा चीज पसंद आई वो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि है एलजी का वेब ओएस। तो ये जो टीवी है ये मेरे को बिल्कुल ही एलजी की याद दिला देता है और सेम फीचर्स आपको एलजी वाले मिलते हैं इस टीवी के साथ में। और इनफैक्ट इस एलईडी टीवी का जो मैजिक रिमोट है वो भी एलजी का मैन्युफैक्चर्ड है। और साथ में इस टीवी के साथ जो आपको मैजिक रिमोट मिलता है उसके अंदर भी काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स हैं, जैसे आपको एयर माउस मिलता है उसके अंदर, स्क्रोलर मिलता है और साथ में आपको वॉइस असिस्टेंट भी मिलता है। एंड ओवरऑल इस एलईडी टीवी को मैं 6 out of 10 रेट करना चाहूंगा। तो अभी आप सभी लोग मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको ये एलईडी टीवी कैसी लगी और आप इस एलईडी टीवी को परचेज करना चाहोगे या नहीं। तो यही थी कुछ आज की वीडियो। तो अगर चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी जल्दी से लाइक कर दो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। सो तब तक के लिए गुड बाय, एज ऑलवेज, गेम ऑन।